दोस्तों 2024 में आप सभी को पता है कि आरबीआई के तरफ से बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किया गया है। इसी तरीके से एक और चीज जो है आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप डिफॉल्टर है और आप लोग पर्सनल लोन लेके तीन पत्ती रमी या फिर जो भी है गैम्बलिंग वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट किए हो तो आप लोगों को ट्रैक आरबीआई कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं, क्या होने वाला है क्या होगा तो सारा कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर आप लोग नए हो अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब बटन जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि पर्सनल लोन पे जो रिस्क वेट है वो बढ़ा दिया गया है। अब वो क्यों बढ़ाया गया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये जो है लोन ज्यादा से ज्यादा ले रहा है इसके वजह से जो है यहाँ पे रिस्क रेट बढ़ा रहा है, उनका जो है इनकम होगा ज्यादा से ज्यादा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग जिस तरीके से लोन लेके आप लोग गैम्बलिंग करते थे या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह रमी वगैरह जो गेम्स है उसमें प्ले करते थे लोन लेके, तो ये आप लोग समझते हो कि आरबीआई को कुछ नहीं पता। आरबीआई को हमेशा ये ट्रैक होता रहता है, उन लोगों के पास भी ये खबर जाता है कि आप लोग क्या करते हो वो लोन लेके, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से ये सब चीजें समझने की कोशिश करें कि लोन का जो पैसा है वो हम और आपके जैसे लोग जो है डिपॉजिट करते हैं बैंक पर, ठीक है, उसी को उसी पैसे को जो है लोन के तौर पे लोगों को देता है और जो इंटरेस्ट वापस मिलता है वो इसी से जो है बैंक का चलता है। साथ ही साथ आप लोगों को जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक में रखने का पैसा, तो वहां पर वो इंटरेस्ट उस वहां पे मिलता है, ठीक है। तो बैंक इन्वेस्टमेंट करता है आप लोगों का पैसा, हम और आप लोगों का पैसा वहां पे इन्वेस्ट करता है। और आप लोग यहाँ पे समझो कि जो भी आप लोग गैम्बलिंग साइट में या फिर रमी साइट में जाके वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो लोन का पैसा, वो पैसा तो सबसे पहले डूब जाता है, आप लोगों को मिलता तो है नहीं, आप लोग हमेशा जो है पैसा गवा देते हो। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझो कि वो जो रमी का वेबसाइट से आप लोग जो गेम खेल रहे हो क्या वो इंडिया का है? नहीं दोस्तों, वो बाहर से ऑपरेट हो रहा है। तो एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जो प्ले आप लोग कर रहे हो, जो गेम्स आप लोग खेल रहे हो, जो पैसा हमारे आपके पैसा हमारे इंडिया का जो पैसा है वो अगर आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है कि हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस किसको हो रहा है? अभी आपको लग रहा है कि लोन आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज में अगर कोई दिक्कत होता है तो क्या होगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगा। आप लोग समझ सकते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर होता है किसी भी सेक्टर में, आप लोगों को पता है कि आरबीआई ने एक लिस्ट निकाला था कुछ दिन पहले कि जनवरी से दिसंबर का जो लिस्ट था, एनबीएफसी जो है सबसे नीचे है और वो खतरे में है क्योंकि पर्सनल लोन इतना ज्यादा डिसबर्स कर चुका है, अब वो उसको वापस नहीं ले पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस तरीके का चीजों में फंसे हुए हैं और वहां पे जो है पैसा गवा रहे हैं। तो पर्सनल लोन लेके अगर आप लोग ये सब चीजें कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा सा संभल जाओ, आप लोग सावधान हो जाओ क्योंकि अभी नहीं हो रहा है लेकिन इन फ्यूचर आप लोगों के साथ खराब चीज हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के ऊपर जो है लीगल एक्शन ले भी सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप लोगों को एक वर्न करना था कि अगर आप लोग समझ रहे हो कि लोन का पैसा लेके आप लोग गैम्बलिंग वगैरह में या फिर जो भी रमी है उसमें प्ले करके आप विन करके उसका रिपेमेंट कर दोगे, तो ये जो है थिंकिंग आप दिमाग से निकाल दो। हमेशा ही वो लोग सिस्टम में ऐसे ही बना के रखते हैं कि आप लोग हारोगे, जीतोगे नहीं। एक दो बार जिता दिया तो आप लोगों के मन के अंदर लालच आ जाएगा और फिर क्या करेगा वो, और से ज्यादा जो है पैसा डालने के लिए बोलेगा, तब आप क्या करोगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप लोन लोगे। लोन का पैसा लेके आप समझोगे कि भाई लोन का पैसा है, मैं चुका दूंगा ईएमआई, तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट लगाता हूँ तो और ज्यादा मैं जीतूंगा, 100-200 में जीत रहा हूँ अभी 1000 में जीतूंगा। तो इसी के चक्कर में आप लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लगाते हो और वो लोग क्या करते हैं उसको ट्रैक कर लेते हैं और आपको हरा देते हैं और पैसा सारा डूब जाता है। तो यहाँ पे एक चीज है कि आपका फैमिली का सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है तब आप लोग लोन ले रहे हो। अब लोन लेने के बाद आपका सिचुएशन खराब हो गया है, आप रिपेमेंट कैसे करोगे, ये सोच आप लोगों को हमेशा रखना पड़ेगा। ये जो भी चीजें आप लोग करते हो, आप लोग फंस जाते हो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है पूरा डूब गया है, गैम्बलिंग में इन्वेस्ट कर दिया है डूब गया है, बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट्स जो है मुझे मिलता रहता है कि इस तरीके का जो है गैम्बलिंग वगैरह में मैंने इन्वेस्ट किया था सारा चला गया पैसा। तो लोन लेके कौन गैम्बलिंग करता है भाई, अगर आपको उसमें जाना भी है खेलना भी है तो अपना खुद का पैसा वहां पे लगाओ। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कोई भी इस तरीके के गेम से ना जुड़े क्योंकि वहां पे सिस्टम इस तरीके से सेट किया हुआ है कि आप हमेशा हारोगे। 2-3 बार आपको जिता देगा, आप लोगों को लगेगा कि भाई मैं यहाँ पे बादशाह हो गया हूँ, मैं यहाँ पे जीतूंगा हमेशा, लेकिन आप जब भी वहां पे बड़ा अमाउंट में खेलोगे तो आपका पूरा पैसा साफ कर देगा। तो ये चीज जो है आप लोगों को संभलना है, आप लोगों को संभल जाना है कि इन फ्यूचर कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, लेकिन आरबीआई के पास सभी इंफॉर्मेशन जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ के जो है, बाकी का चीज आप लोग समझदार हो, आप लोगों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए चलते रहे, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।